नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल 2 दिन के लिए बंद कर दिए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट के जरिए जानकारी दी है। 5वीं क्लास तक के स्कूल ही बंद रहेंगे। गुरुवार को राजधानी में दिन भर धुंध छाई रही है, ऐसे में प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया। वायु प्रदूषण बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक माना जाता है। इससे पहले दिल्ली में एयर क्वालिटी के गंभीर श्रेणी में पहुंचने के बाद चरणबद्ध प्रतिक्रिया कार्य योजना के 3रे चरण को लागू कर दिया है। इसके तहत गैर जरूरी निर्माण गतिविधियों और डीजल से चलने वाले ट्रकों के राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार की वायु गुणवत्ता नियंत्रण योजना GRP सर्दी के मौसम के दौरान दिल्ली NCR में लागू की जाती है। वहीं तो शाम 5 बजे दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 402 EQI रहा। दिल्ली NCR में वायु गुणवत्ता की स्थिति की समीक्षा से संबंधित बैठक में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने कहा कि प्रतिकूल मौसम और जलवायु परिस्थितियों के कारण प्रदूषण का स्तर अभी और बढ़ने की संभावना है। वहीं दोस्तों, CQS क्षेत्र में प्रदूषण से निपटने के लिए रणनीति तैयार करने वाला एक वैधानिक निकाय है। वायु गुणवत्ता सूचकांक के आधार पर GRP को 4 चरणों में वर्गीकृत किया गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली के अंदर 2 दिन के लिए स्कूलों को बंद कर दिया है, जिसमें सरकारी और प्राइवेट स्कूल शामिल रहेंगी। साथ ही दिल्ली के अंदर अब दोस्तों डीजल वाहनों पर भी एंट्री लगा दी है, साथ ही निर्माण गतिविधियों पर भी एंट्री लगा दी है। तो अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त आ रही है। अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें।